मेरा नाम सीमा है सर, और मैं सचिन के प्यार में यहाँ आई हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं इनको। मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं सीमा का शोर गुलाम हैदर और इस 4P ने पूरे देश और हमारे जो देश की सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनको कंफ्यूज करके रख दिया है। और इनके बगैर मैं नहीं रह सकता। 4 बच्चे थे उसके, वो भी सचिन के प्रेम में इतनी पागल हो जाती है कि सबसे पहले वो नेपाल पहुंचती है और फिर नेपाल से भारत आती है गैर कानूनी तरीके से, और उसका जो जुड़ाव है और हिंदुस्तानी जो तहजीब है, हिंदू धर्म है, उसको वो बांधती है। वैसे तो बेटी तरह इज्जत दे रहे हैं, पर मुझे आस पास के लोगों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मेरा घर वाली है फरहान, फरवा, फरा, फरी, तीनों बेटी मुझे। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। एक शब्द है दोस्तों, PPP। इस शब्द के बारे में आपने जरूर सुना होगा, यानी कि PPP मोड। इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब भी सरकार और किसी प्राइवेट कंपनी के बीच में कोई करार होता है तो उसे कहते हैं PPP मोड। लेकिन दोस्तों इस वक्त एक नया शब्द और आ चुका है, यानी कि 4P, और इस 4P ने पूरे देश और हमारे जो देश की सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनको कन्फ्यूज करके रख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 4P से कैसे हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां कंफ्यूज हो सकती हैं, कैसे वो परेशान हो सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर 4P और हमारे देश का नया कनेक्शन क्या है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। 4P इसका मतलब है पबजी, प्यार, पुलिस और पाकिस्तान। आपने सोशल मीडिया पर तैरती हुई एक खबर ज़रूर सुनी होगी कि नोएडा में रहने वाला एक युवक सचिन पबजी के थ्रू एक पाकिस्तानी महिला से मिलता है ऑनलाइन, और फिर उसे धीरे धीरे उस महिला से प्यार हो जाता है, और वो पाकिस्तानी महिला जो कि ऑलरेडी शादीशुदा थी, 4 बच्चे थे उसके, वो भी सचिन के प्रेम में इतनी पागल हो जाती है कि सबसे पहले वो नेपाल पहुंचती है और फिर नेपाल से भारत आती है गैर कानूनी तरीके से, और यहाँ आकर गौतम बुद्ध नगर में वो सचिन नाम के युवक से जिससे उसका इश्क चल रहा था उससे वो शादी कर लेती है। और जैसे ही पुलिस को ये मामला पता चलता है कि भाई एक महिला जो पाकिस्तानी है गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आई है और किसी युवक से उसने शादी कर ली है, तो पुलिस एकदम चौकन्नी हो जाती है। देश की सुरक्षा एजेंसियाँ उस महिला को खोजने में लग जाती हैं, तो पता चलता है कि वो महिला उत्तर प्रदेश के मथुरा में सचिन के साथ घूमती है। पुलिस उसे चंद घंटों में गिरफ्तार कर लेती है दोनों को, और गिरफ्तार इसलिए करती है चूँकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला था और इसमें कोई भी कोताही पुलिस नहीं बरतती। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में वो महिला दलील रखती है कि उसने तो हिंदुस्तानी रीति रिवाज से सचिन से शादी की है, अब वो पाकिस्तानी महिला नहीं है, अब वो हिंदुस्तानी महिला है, और उसका जो जुड़ाव है और हिंदुस्तानी जो तहजीब है, हिंदू धर्म है, उसको वो मानती है, और कोर्ट के समक्ष वो दावा करती है मैं किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में शामिल ना थी और ना ही भविष्य में मैं होंगी, हिंदुस्तान से वो बेपनाह मोहब्बत करती है। तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं जो दोनों प्रेमी होते हैं अब वो पति पत्नी बन चुके हैं उनकी बात पर यकीन करता है और उनको वो जमानत दे देता है, लेकिन उसकी कई शर्तें होती हैं कि आप पर विशेष तरह की निगाह रखी जाएगी, आप 24 घंटे सर्विलांस पर रहेंगी, अगर आप हिंदुस्तान छोड़ती हैं तो आप यहाँ पर अथॉरिटीज़ को बताएंगी, उसके बाद ही आप हिंदुस्तान जाएंगे से मुक्त होंगी। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत वायरल चल रहा है। अब इसी बीच में जो उस महिला का पति है, उस महिला का नाम है सीमा हैदर और उसके पति का नाम है गुलाम हैदर, अब वो पाकिस्तान से गुहार लगाता है कि वो बहुत ही गरीब व्यक्ति है और पता नहीं कैसे हिंदुस्तानी युवक के चक्कर में उसकी पत्नी आ गई, वो बच्चों को भी साथ ले गई। अब वो गुहार लगाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो कहता है कि भाई मुझे मेरी बीवी दिलाओ, और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि PMO इसमें इंटरफेयर करेगा और गैर कानूनी तरीके से उसकी पत्नी ने शादी की है हिंदुस्तान में जाकर, अभी उसने तलाक भी नहीं दिया है, अभी वो उसकी पत्नी है, तो उसकी पत्नी को वो वापस जरूर करा देंगे। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं
सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको जहनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को जहनी मरीज बनाया गया उनको। हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्र गुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में हैं, मैंने देखा मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरा, फरी, तीनों बेटी। मुझे मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूं, मिस्किन बंदा हूं, जोड़ के मैं शुक्र गुजार हूं हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूं, मेरे मैं मिस्किन हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्र गुजार हूं मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुंचाया जाए। अब सोशल मीडिया पर लोग बड़े चटकारे लेकर इस स्टोरी को देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये महिला आखिर प्यार किससे करती है, अपने पति से करती है या फिर अपने प्रेमी सचिन से करती है। अब सोशल मीडिया में लोग इसको कह रहे हैं कि भैया तो बड़ा ही विचित्र तरह का प्यार है कि पाकिस्तान से एक महिला सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तानी युवक को दिल दे बैठती है और हिंदुस्तानी तहजीब भी वो अपना लेती है, वो अपने आप को हिंदू कहती है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ हिडन ऐसा ज़रूर है जो अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इस मामले ने प्यार का चोला ज़रूर पहना है, लोगों के सेंटिमेंट्स ज़रूर छुए हैं, लेकिन जितना मैं इस स्टोरी को समझा हूँ मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, हो सकता है ये प्यार का मामला भी हो, लेकिन ये मुझे लगता है कि हनी ट्रैप का मामला ज़्यादा है। क्योंकि मैंने जो महिला है वो सीमा हैदर, उसका बयान सुना जब पत्रकार उससे बात कर रहे थे कि भाई पबजी के बारे में कितना वो जानती है, टेक्नोलॉजी के बारे में वो कितना जानती है, तो उसने बहुत ही नपे तुले बोल बोले। और इस तरह के बोल कौन व्यक्ति बोलता है जबकि वो पूरी तरह से ट्रेंड हो। मैं दावा करता हूँ कि कोई हिंदुस्तान की महिला जिसका प्रोफाइल इतना पढ़ा लिखा नहीं है और वो हाई प्रोफाइल नहीं है, भले ही पबजी पर वो महिला गेम खेलती हो, लेकिन जब उससे मीडिया इस तरह के सवाल करेगी तो वो किसी भी सवाल का जवाब इस तरह से नहीं दे पाएगी। बहुत ही नपे तुले जो जवाब हैं वो सीमा हैदर की तरफ से आ रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है या और भी तमाम एजेंसियां हैं पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान में लगातार खौफ बरपाने का काम करती हैं, उन्होंने जितना पढ़ाया उतनी ही बात सीमा हैदर मीडिया के सामने कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये प्यार के साथ साथ कहीं हनी ट्रैप का मामला तो नहीं है, वो हिंदुस्तान में आकर कहीं पाकिस्तान के लिए वो जासूसी तो नहीं करेगी। इस मामले को इमोशनल टच दिया जा रहा है, जैसे कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, अब उसका जो पति है जो गुलाम हैदर है उसको ये बात कैसे पता लगी। जाहिर तौर पर मीडिया के माध्यम से उसे ये बात पता लगी। अब वो हिंदुस्तान की मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो गुहार लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस मामले को वाकई इमोशनल टच देने की कोशिश की जा रही है ताकि दूसरे एंगल पर किसी का दिलो दिमाग ना जाए। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनको सीमा हैदर पर विशेष तरह का सर्विलांस रखना चाहिए, क्योंकि एक महिला अपने चार बच्चों को छोड़ देती है, अपने पति को छोड़ देती है और मात्र पबजी के सहारे हिंदुस्तानी युवक से वो इतना प्रेम करती है कि वो सारी बाधाएं छोड़कर हिंदुस्तान आ जाती है। ये अपने आप में दोस्तों बड़ी विचित्र घटना है। हमने पहले भी आपके सामने इस घटना का पूरा वृतांत रखा था कि कैसे वो गलत तरीके से भारत में आती है और वो अब हिंदुस्तानी बन जाती है। आखिर एक पाकिस्तानी महिला जिसका पति, जिसका घर, जिसके बच्चे पाकिस्तान में जन्मे हैं, जिसने पाकिस्तानी संस्कृति को हमेशा अपने साथ रखा, उससे वो जुड़ी रही, अचानक सिर्फ प्यार में आने से वो हिंदुस्तानी बन जाती है, उसको हिंदू धर्म अच्छा लगता है, वो कहती है कि मुझे हिंदू देवी देवताएँ बहुत पसंद हैं। क्या आपको दोस्तों लगता है कि जो सीमा हैदर बोल रही है वही सही है, इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं है? तो दोस्तों जो भी सचिन को जानते हैं या नए नए सीमा हैदर से जुड़े हैं, मुझे लगता है कि उनके प्यार पर यकीन करने के अलावा आपको एक सच्चा देशभक्त बनने की ज़रूरत है। उन दोनों के ऊपर आप लोगों को सर्विलांस रखना चाहिए। जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तो अपने तरीके से उस पर निगाह बनाए हुए हैं,
लेकिन जो लोग सचिन से जुड़े हैं या सीमा हैदर से नए नए जुड़े हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप सभी लोग इन दोनों के ऊपर और इनसे जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनके ऊपर निगाह बनाए रखें। और अगर आपको लगता है कि कोई संदिग्ध गतिविधि में लिप्त है या किसी अनजान लोगों से महिला या सचिन मिल रहा है, तो उस पर आप लोग निगाह अच्छे से रखें, क्योंकि उसने सचिन का माइंड भी कहीं ना कहीं वॉश कर दिया है। उस महिला ने वो भी सब कुछ भूल बैठा है उसके प्यार में। आप सोचिए, अगर सचिन सही होता तो अपने घर वालों को बताता, उसने किराए का मकान लेकर उसको अलग रखा, शादी की, उसने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? अगर वो सचिन सही था तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आया शुरुआत में? सब घर वालों के सामने ये बात उसने क्यों नहीं रखी? इतना तो भाई समझदार सचिन भी है ना कि अगर वो किसी पाकिस्तानी महिला से शादी कर रहा है तो उसको यहाँ की अथॉरिटी को सूचना देनी चाहिए थी। सब जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की किस तरह से कट्टर दुश्मनी चल रही है। तो दोस्तों, मुझे तो ये मामला थोड़ा पेचीदगी इसके भरा लग रहा है, बहुत ही रहस्यमय मामला लग रहा है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े जितने भी अपडेट होंगे मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।